होती है सही कमाई, मैं करके दिखा दूंगा। उठ जाओ ए, 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 कम ते जाओ ए, ए, बेले आओ ए, ए। रोजा लग रहा है रखा है तो लगेगा ही। मुझे नहीं लग रहा, हालांकि मैंने 8 पैरा रखा था। तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, मुझे लगा तुमने चीनी रोजा रखा होगा। बचपन में रखते थे चीनी रोजा, अब तो कहां रोजा रखते हैं। इफ्तारी का सामान नजर नहीं आ रहा। इफ्तारी बताई नहीं जाती, नजर लग जाती, दिखाई भी नहीं जाती, दिख जाती है, खाई भी नहीं जाती, महसूस हो जाती है। अपनी बकवास बंद करो। उठ जाओ ए, 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 कम ते जाओ ए, ए, बेले आओ ए, ए, कम ते जाओ। अम्मी ने ओ सॉरी भाई, नजर मत लगा देना इनकी इफ्तारी को। मेरी कहाँ लगेगी नजर? तुम्हें याद नहीं पिछली बार हम खाले रशीदा का कर गए थे, उन्होंने पहली बार गोश्त पकाया था, जब तुमने देखा तो उनका पतीला ही पाट गया था। काश कि मैं कोई फकीर होती जिसे ये आसानी से मिल जाता, काश मैं इसे हासिल कर पाती। या अपने दिल से मुर्तजी भाई को निकाल दो। नहीं, मैं मुर्तजी की बात नहीं कर रही, मैं पकौड़ों की बात कर रही हूँ। फ्रिज में शायद थोड़े पड़े हो। नहीं सच, वो तो मैंने खा लिए थे। अल्लाह करे लैब चली जाए, इनको भी पता ना चले कि खजूरे कौन सी और पकोड़े कौन से। दफा। नॉट बैड, हया ने पकोड़े अच्छे बनाए हैं। हया ने नहीं बनाए। तो फिर किसने बनाए? पता नहीं, परसों से फ्रिज में पड़े थे, इसीलिए इसमें से स्मेल आ रही है। अब तुम खुद ही खाओ। मैं ये नहीं खा सकता, मुझे ताजा चीजें खाना पसंद है। तुमने कभी खुद को गौर से देखा है? क्यों, क्या हुआ? इन्ना का मुंह है तेरा, इनिया सारिया चीजा किसने खा लेनी है? मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। मैंने तो कल से कुछ नहीं खाया, देखो सब्र कर रहा हूं ना। चलो कुछ खाने चलते हैं। चलो सॉरी मारूंगी तुझको ऐसे, चिपकली मारते हैं जैसे। उठ जाओ ए, 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 कम ते जाओ ए, ए, बेले आओ ए, ए, कम ते जाओ। मैं तुम्हें कह रही थी पहले कुछ खा मर लो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया।
मुर्तसिम ये क्या है? क्या हुआ, मेरी पैंट फटी है? नहीं, तुम ऐसे क्यों झुके हुए हो? वो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तुमने तो फेंका था बाहर मुझे। मुर्तसिम, मैंने तुम्हें जान के नहीं सुटा था, तुम खुद ही बेहोश हो गए थे। मैंने कुछ खाया नहीं था इसीलिए। हाँ, मैंने भी सिर्फ पकौड़े ही खाए थे, वो भी भूसे हुए। आयोडेक्स ला दो प्लीज। क्या? आयोडेक्स। मुर्तसिम, एक तुम्हें ये चिड़ियाघर आ गई हो, मुझे पता नहीं है कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है। आदे बाहर से ठाक की आवाज आई। तुम और मुर्तसिम ही हॉल में थे तो मैंने सोचा तुम गिरी होगी, लेकिन वो तो बेचारा मुर्तसिम था। ये लो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता इसे ये चाहिए? बचपन से गिरता आ रहा है मुर्तसिम। जब भी गिरता था इसे यहीं लगाते थे। बहुत गिरा हुआ इंसान। मुझे मालूम है, ये नहीं लगाते, मैं खुद ही इसे दबा दूंगी, ज्यादा चोट नहीं लगे। थैंक यू सो मच हया, तुमने मेरी आवाज सुनी और आयोडेक्स ले आई, लेकिन मीरा मेरी कमर दबाकर खुद ही सही कर देगी। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। देखा, ये तुम्हारे पीछे पड़ गई है, जैसे कोई कुत्ता खोता रहने के पीछे नहीं पड़ जाता। सही तो कह रही थी यार, जब कोई गिरे उसे आयोडेक्स लगाते हैं, लेकिन खैर तुम जैसे पेंडू को क्या पता। मीरा, मुझे अपना हाथ जख्मी करना पड़ा ताकि तुम्हें बता सकूं कि जख्मों पे यही लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे। क्या करूं, ऐसा कि मुर्तसिम का दर्द खत्म हो गया और आयोडेक्स भी ना लगानी पड़े। कितनी बुरी स्मेल है इसकी। मुर्तसिम, तुमने तो मुझे डरा दिया, तुम्हारे दर्द के लिए बना रही हूँ। वो दर्द तो कब का खत्म हो गया है। अच्छा, फिर रहने देती हूँ। अब इस दर्द के लिए कुछ बनाओ। इसमें कुछ जहरीला भी डलेगा, बताओ क्या डालूं? Nothing. बस एक थूक डाल देना। और अगर सही पड़े तो मेरे मौकल मीरब के अंदर आ जाएंगे, और अगर गलत पड़े तो तेरे अंदर आ जाएंगे। अक्कर बक्कर बम्बे बो, 80-90 पूरा सो, रात के बज गए 4:15, जो होना था हो गया यार। ओ नहीं, ये नहीं, 80-90 पूरी बो, पूरी दो, पूरी हलवा पूरी।
मुर्तजिम क्या हुआ? यहाँ पर कोई था, नाच रहा था या नाच रही थी। तो फिर क्या हुआ? रात के टाइम एंजॉय करना होता है उन्होंने। किन्होंने? तुम्हें बताया तो था, जिन वगैरह। जिन होते हैं? हाँ ना, मैं उनकी शादियों में भी गया हूँ। चलो ना, अगली बार इकट्ठे चलेंगे उनकी शादी पर। वो छोड़ो, उन्हें एंजॉय करने दो। एक तो यहाँ रक्षा भी नहीं मिलेगा, तुम लोगों ने इतने सुनसान इलाके में क्यों भी ले लिए? मुर्तजिम, वो मरियम को कॉलेज छोड़ने वाला कोई नहीं है और वक्त भी नहीं है, और यहाँ से कोई रक्षा। आ जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कॉलेज छोड़ने और कहाँ? हम तीनों कैसे बैठेंगे? मैं लड़कों की तरह बैठ जाऊंगी। मुझे पहले ही तुम पर शक था। पीप पीप। ये क्या कर रही हो? मुर्तजिम, इसका हॉर्न नहीं है। अब चले मेरी माँ। आज हम कितने दिनों बाद इकट्ठे बाहर निकले हैं, याद है? पहले मुर्तजिम के साथ हर रोज बाजार जाया करते थे। तब मुर्तजिम वेला होता था। तो अब भी वेला ही है, हर वक्त उस बांदरी के पीछे लगा रहता है डुगडुगी लेकर। वो है ही ऐसी मेरी बांदरी। बांदरी लेने की जरूरत ही ना पड़ती अगर मुझसे शादी कर लेते, मैं उससे अच्छा बांदर बनती हूँ। क्या हो गया है? हम गिर जाएंगे। मुर्तजिम खान, बाइक रेड कर ला रहा है। पैदल आना तुम्हारे लुक के लिए अच्छा नहीं है, पेट्रोल डलवा लिया करो। मैं वो हूँ कि अगर मुझसे कोई रोज उधार मांगेगा, मैं रोज उसे उधार पैसे दूंगा। पर मैं तुझे चंदा नहीं दूंगा। तेरी प्रॉब्लम पता क्या है? मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हें लगता है पैसे मांगने आया हूँ, लेकिन मैं मांगने नहीं आया। अभी हजार हजार के नोट निकाल के तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। 50 रुपए किसके करे कहाँ है? देखिए अपनी औकात। आया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? पहले मैंने तक कल गया, अब तुम लगाओ। साहब गजरा ले लो, अपनी वाइफ के लिए गजरा ले लो। बजी आप एक गजरा ले ले। दे दो भाई। कितने पैसे हुए? नहीं आप पहने दे। इतने बुरे हालात हुए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें किस मुंह से बताते? इसी मुंह से मीरा। मेरा मतलब मैं हर वक्त पास्ता पिज्जा हर वक्त बाहर से खाती रही हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताती? मुझे एक वक्त का खाना भी सही से नहीं मिल रहा। मीरब मीरब, तुम वो हो जो दूसरों को छीन के खा जाती थी। अगर कोई अनजान भी खा रहा होता था तुम उसे भी नहीं छोड़ती थी। मुझे अभी तक याद है कि तुमने एक बाबे से बोतल पकड़ के पी ली थी और तुम्हें लगा था वो मिंट मार्गेटा पी रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो उस बोतल में थूक रहा था। अच्छा तुम ये बताओ क्या खाना है? नहीं रोहिल। चलो रहने दो। बोले 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 बोले। मुझे सोचने तो दो। तुम ये भूल गई मैं तुम्हें कितना खिलाता था, और तुम फिर भी मेरी नहीं हुई। तुम मुझे ऐसे कैसे सुना सकते हो? मीरब,
बस तुम इतना कह दो कि तुम मेरी, मैं तुम्हारे सामने बूफे लगवा दूंगा। क्या हुआ मीरब, तुम परेशान ना हो, हम शादी के बाद रोज खाने जाया करेंगे। भाई अगर तुमने मुझे नहीं कुछ खिलाना तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ क्यों रुकवा दिया? गोलगप्पे खाने हैं। मीरब रमजान है। तो फिर क्या हुआ भाई साहब, एक प्लेट गोलगप्पे लगाना, भरके लगाना, खाली पापड़ी ना पकड़ा देना। मीरब यहाँ ना खाना। क्यों? सबके रोजे हैं। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर कौन सा कोई देख रहा है? भाई साहब आपका रोजा है? हाँ जी। कोई बात नहीं, आप अपनी आंखें बंद कर ले। रमजान में सड़े आम खाते हो? नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। उम्र सारी तुम्हें क्या हुआ है? जाना क्या हो मीरब, कितनी बुरी बात है किसी की छत पे ऐसे आना। अभी 2 दिन ही हुए थे करीम की शादी को, मलिक जुबैर ने कहा खुशी में मिठाई खिलाओ, तो ये उसे बेकरी पे ले गया। मलिक जुबैर ने वहां से आधा किलो मिठाई खा ली और ये वहां से भाग आया। गरीब के पास पैसे नहीं होंगे ना, मलिक जुबैर को देने पड़े। बाद में मलिक जुबैर ने इसे मार दिया। आप पंचायत बुलाइए, फैसला वही होगा। फैसला बाद चुका ले, रोटी का खुलनी है। जाओ इसे कुछ ला कर दो। चलाओ। जैसा अब आप सब लोगों ने देख लिया है कि सिर्फ मिठाई की खातर इसने उसे मार दिया। लेकिन मरने वाले ने भी गलती, उसे मरने से पहले पैसे दे देने चाहिए थे। उसे आए अभी मेरे पास 3 दिन हुए थे, मैंने उसे तनख्वाह देनी थी तो फिर ही उसने पैसे देने थे। झूठ बोल रहे हैं, उनके पास जो बचे कुछ पैसे थे वो भी इसने ले लिए थे। मलिक जुबैर, मुस्लिम का शक तुम पर है। एक शक के बिना पर ना तो ये पंचायत ना ये कानून मुझे पकड़ सकता है। तुमने हमसे साग लेकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारे खानदान की सारी फसलों को मुझे ले लेना चाहिए। कम से कम महंगी सब्जी तो नहीं बेचोगे? काश उस रात मैं तेरी बीवी को न जाने देता, उसे अपने पास रखता, उसे पत्ते खिलाता ताकि उसे पता लगे कि बकरियों को कैसे खिलाया जाता है। बस बस, मैं आ गया हूँ मुस्लिम खान, मुझसे बात करो। जुबैर तुम उसकी बीवी को कुछ मत कहो, इसे अगर कुत्ता छूता कहना तो वो कह लो। क्या कह तो दिखाए मुर्तसिम कुत्ता। वो पीछे था। अगर इसने मिठाई के बदले में कत्ल किया हुआ तो मैं खुद 1 किलो मिठाई बांटूंगा। चले होती है सही कमाई, मैं करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना, मैं नौकरी नहीं करूंगा,